आज हम लोग देखेंगे ओलंपियाड का बुक, एनएस साइंस ओलंपियाड का देखेंगे क्लास फाइव का। और चैप्टर टू देखेंगे हम लोग आज, चैप्टर टू। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं चैप्टर टू में ह्यूमन बॉडी। चैप्टर टू ह्यूमन बॉडी एंड द हेल्थ। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फ्लोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देखिए, फर्स्ट में ऑप्शन स्पाइस आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, मतलब जो मसाला हम लोग को मिलता है प्लांट से मेरा सही है। ईटिंग लेस अमाउंट ऑफ फैब्रिक राइस फूड कैन लीड ऑफ कॉन्स्टिपेशन, ये भी मेरा सही है। स्कल हैज नो ज्वाइंट, ठीक है, एंड इनक्लोज विथ अ ब्रेन, ये मेरा गलत है। ये मेरा सी जो मेरा गलत है। नॉट बैलेंस इज कॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, ये मेरा सही है। तो मेरा फर्स्ट का आंसर होगा, फर्स्ट का आंसर होगा मेरा सी। सेकंड देख लीजिए, इन केस ऑफ फ्रैक्चर विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी डन, कवर द पेशेंट विथ एनी क्लॉथ हैज प्रेफरी विथ अ वुलन क्लॉथ, डू नॉट मूव द फ्रैक्चर पार्ट एंड द टाई ऑफ द स्प्लिंट अराउंड, ये मेरा सही है। ठीक है, ये मेरा सही है। आप पढ़ेंगे स्प्लिंट के बारे में पढ़ेंगे होंगे अब मेरे वीडियो में है। मेक द पेशेंट लाई डाउन द सनी प्लेसेस, ये भी गलत है। गिव द हॉट टी एंड कॉफी, ये भी मेरा क्या है, गलत है। तो मेरा आंसर होगा यहाँ पे सी, टू का आंसर मेरा होगा सी होगा, और टू का आंसर होगा बी। फिर यहाँ लिखिए, देखते हैं आगे। नर्वस कैरी द मैसेज फ्रॉम द स्पाइनल कोड, नर्वस कैरी फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स टू द ब्रेन स्पाइनल कोड, वाइल डैश यहाँ लिखा हुआ नर्वस कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड टू द ऑर्गन। देखिए यहाँ पे थीम देखते हैं, एक मैसेज करता है ऑर्गन सिस्टम को ब्रेन, मैसेज ऑर्गन सिस्टम टू ब्रेन होता है, ठीक है, और फिर ब्रेन टू ऑर्गन सिस्टम होता है, ऑर्गन होता है ब्रेन होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ एक मैसेज यहाँ जाता है, और यहाँ से यहाँ मैसेज जाता है, और यहाँ से ये मैसेज जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ऑर्गन से जो यह जाता है मैसेज, इसको बोलते हैं सेंसरी नर्व बोलते हैं, सेंसरी नर्व यहाँ से जाता है इसको बोलते हैं मोटर्स बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मिक्स नर्व बोलते हैं। ये तीन तरह के नर्व्स होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा गया कि नर्व्स कैरी द मैसेज फ्रॉम द स्पाइनल सेंसरी ऑर्गन्स टू द ब्रेन, ब्रेन यहाँ ऑर्गन से लेकर ब्रेन तक जो पहुँचाता है सेंसरी नर्व्स। आंसर में देखिए मेरा सेंसरी ये मेरा है सी में। और वाइल नर्व्स कैरी द मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू स्पाइनल कोड टू द ऑर्गन्स ऑनली, तो यहाँ से जो जहाँ था उसको बोलते मोटर्स। तो मेरा आंसर ये है सी, सेंसरी और मोटर सी में आंसर, और थर्ड का आंसर है मेरा सी रहा है। फोर्थ में हम लोग देखते हैं, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द लेवल एज अ पी क्यू आर इन द फिगर, सेलेक्ट द ऑप्शन। यहाँ पे देखिए फिगर में पी क्यू आर क्या दिया हुआ वो हम लोग सेलेक्ट करना है। देखिए ये पहला दिया हुआ बाहर पार्ट, ये देखिए पी जो दिया हुआ बाहर का पार्ट, हम लोग जानते हैं ब्रेन का जो बाहर पार्ट ये रहा ब्रेन, तो ब्रेन का जो बाहर पार्ट होता है इसको बोलते स्कल बोलते हैं। ये मेरा रहा पी स्कल, ये रहा मेरा ये बड़ा वाला पार्ट होता है ब्रेन का, यह बात है सेलिब्रम बोलते हैं इसको, और छोटा वाला पार्ट जो होता है पीछे जो उसको सेलिबेरियम बोलते हैं, और ये जो नीचे जो स्पाइनल कोड जो कनेक्टेड जो रहता है ब्रेन से लेकर मैसेज पहुंचाता है इसको मेडुला बोलते हैं। तो देखिए पी में मेरा है स्कल, तो देखिए पी में मेरा है स्कल, देखिए पी में स्कल है, तो आंसर आपका ऑटोमेटिक है कि बी में स्कल है, बाकी किस में स्कल नहीं, तो यही मेरा आंसर क्या हो जाए। ऐसे भी देख के आप आंसर मार सकते हैं कि बी में स्कल होगा, फिर आप क्यू मिला सकते हैं, बड़ा पार्ट ब्रेन का जो होता है सेलिब्रम होता है जो कि मेरा यहाँ है, ये छोटा पार्ट सेलिब्रियम होता है, और ये मेडुला होता है। तो आंसर फोर्थ का जो रहा आपका बी रहा। अब चलते हैं फिफ्थ में, एक्स इज अ मेजर हेल्प अप टू फॉर्मेशन ऑफ टीथ, फॉर्मेशन ऑफ टीथ यहाँ बोला गया, एंड द बोन, बोन ऑफ और इसके लिए टीथ के फॉर्मेशन के लिए जो हम लोग चाहिए वो होता है कैल्शियम होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग नेम ऑफ द एक्स ऑन द अनस्क्रम्बलिंग, तो यहाँ पे पता करना है। देखिए कैल्शियम जो मेरा बनेगा कैल्शियम इससे बन जाएगा, नहीं इससे नहीं इससे नहीं इससे, ठीक है, इसमें पढ़ाया गया था कैल सी एम, यहाँ से कैल्शियम यहाँ बन जाएगा, ठीक है, ना इसमें बनेगा ना इसमें बनेगा, क्योंकि इसमें सी एक ही है, इसमें दो सी चाहिए हमको, यहाँ एक ही सी है, एक ही सी है ही नहीं, इसमें सी है ही नहीं, रेड मीन सी हमको जो आयरन बोन के लिए कैल्शियम चाहिए होता है वो कैल्शियम इससे स्क्रम्बल बर्ड से ये बनेगा। तो मेरा आंसर जो रहा फाइव का ये बी रहा, ठीक है। अब आगे देखते हैं सिक्स में, काव्या वाज आस्क्ड टू राइट अबाउट सम एक्शन विच ऑफ द विच आर इन वॉलंटरी इन द नेचर, सी आर राइटिंग सम वॉलंटरी एक्शन टू पिक द वॉलंटरी एक्शन रिटन बाय द काव्या फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। तो यहाँ पे वॉलंटरी एक्शन को पिक करना है, वॉलंटरी एक्शन, वॉलंटरी एक्शन हम जानते हैं यहाँ ब्रेन का जो पार्ट हम लोग पढ़े हैं,
जो वॉलंटरी एक्शन जो पार्ट होता है, वॉलंट्री एक्शन दो तरह का होता है, वॉलंट्री एक्शन और नॉन वॉलंट्री एक्शन होता है। देखिए एक होता है वॉलंट्री एक्शन और एक था इनवॉलंट्री, इनवॉलंट्री एक्शन। ये मसल में भी होगा और ब्रेन में भी होगा। तो ये वॉलंट्री होता है अंडर विल होता है, जो चीज़ हम चाहते हैं वो करते हैं, डायरेक्ट इज कॉल्ड विल पावर, जो हमें चाहते हैं वो करते हैं, ठीक है, जो विल के आपके में होता है। आई हैव नॉट इन कंट्रोल, नॉट इन कंट्रोल, जो कंट्रोल में नहीं होता है उसे बोलते हैं नॉन वॉलंट्री मसल, जो कंट्रोल में होता है हम लोग को वॉलंट्री मसल बोलते हैं। अब देखिए इसमें कंट्रोल में आपके क्या है, अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं च्यूइंग द फूड, च्यूइंग द फूड हमारे कंट्रोल में है, मतलब ये हमारे कंट्रोल में है, मतलब कौन कब हम कितना फूड च्यू करना है नहीं च्यू करना है वो हमारे कंट्रोल में होता है। सिटिंग अपराइट टू टेबल, टेबल पर हम लोग बैठते वो भी हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक है, हम बैठना चाहते हैं तब बैठेंगे, नहीं बैठना चाहते। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड में हमारे कंट्रोल में नहीं होता, डाइजेशन प्रोसेस जो होता है ऑटोमेटिक प्रोसेस, हम खाना खाते हैं डाइजेशन प्रोसेस खुद ब खुद पेट करने लगता है, तो ये हमारा इनवॉलेंट्री हो गया। ब्रीथिंग ऑफ हार्ट, तो हार्ट बीट भी क्या होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है, वो अपने आप ही हार्ट बीट करता है। सिंगिंग सॉन्ग, गाना गाना हमारे कंट्रोल में, मन किए तो गाएं नहीं मन किए तो नहीं गाएं। डांसिंग भी हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक है। रिलीज ऑफ एसिड इन द फूड, रिलीज इन द एसिड इन द स्टॉमिक, रिलीज इन एसिड इन द स्टॉमिक हमारे कंट्रोल में नहीं होता, खाना खाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर फूड्स ये एसिड क्या पेट में वो रिलीज होता है, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमारे जो वॉलंटरी मसल जो हमारे कंट्रोल में है 1, 2, 5 एंड 6 ऑप्शन, तो ऑप्शन में यहाँ देखिएगा, ऑप्शन में देख लेते हैं यहाँ पे आओ। तो 1 हो गया, 1, 2, 5, 6, 1, 2, 5, 6 ये मेरा आंसर रहा है। तो आंसर में है आ रहा बी, 6 का जो आंसर मेरा रहेगा बी रहेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इन केस ऑफ एलपीजी गैस इज लीक इन द हाउस यू शुड, मतलब एलपीजी गैस यदि लीकेज कर रहा था, हम बताया था उसमें वीडियो में है कि आपका सेंट स्मेल आता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग को क्या करना चाहिए, तो ओपन द ऑल डोर विंडो, ये ओपन डोर ये मेरा सही है, हम लोग को सब विंडो और ओपन को करना चाहिए। नॉट स्विच ऑन और ऑफ और एनी इलेक्ट्रिसिटी वायर, ये भी मेरा सही है, कोई भी स्विच हो, इलेक्ट्रिसिटी का अप्लायंसेस कोई भी अप्लायंसेस हो उसको हमको टच नहीं करना चाहिए, मतलब कि उसको ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए। नॉट लाइट द माचिस, मतलब ये कोई भी स्पार्क चीज़ नहीं करना चाहिए, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी में हो चाहे कोई माचिस हो चाहे लाइटर, कोई भी चीज़ ऐसा जो स्पार्क हो जिससे आग लग सकते हो वो जलाना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ये तीनों आपका सही, मतलब ऑल ऑफ दीज होगा आपका सामान जो होगा मेरा, ये डी होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आलियाज मदर कैरी कॉल्ड हर फॉर डिनर, सी प्रिपेयर अंडर द डिनर प्लेट एज शो इन द गिवन फिगर, विच एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर सिग्निफिकेंटली एब्सेंट इन हर प्लेट, इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स एब्सेंट है वो पता करना, मतलब जो नहीं है। तो यहाँ मैं ऑप्शन दिया प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये चार में से देखना है कौन सा हम लोग का एब्सेंट है, एब्सेंट देखना है, प्रेजेंट है, एब्सेंट देखना है। देखिए आलू सब्जी, आलू सब्जी डेट मीन्स कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो, तो आपको इसमें कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है। राइस मतलब इसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, ये आपका ये दिया हुआ है। फ्रूट सलाद, फ्रूट में तो कभी भी होता है तो हम बताया थे फ्रूट विटामिन से मिनरल होता है, तो यहाँ विटामिन से मिनरल आपका दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ बटर और रोटी है, बटर दिया हुआ, बटर मतलब होता है इसमें फैट होता है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर फैट आपका दिया हुआ है, ठीक है। और आठवां आपका बस या बस ये तीनों जब दे दिया है तो आठवां का आंसर जो आपका होता है ए, मतलब कि आपका इसमें प्रोटीन जो है मात्रा आपको नहीं दिया वेट का, ठीक है। तो ए का जो आंसर आपका आ जाएगा ये हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, स्वाति लिव इन द इन अ हॉस्टल एंड सिक्स रूममेट्स, आउट ऑफ देम 4 फील इल, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन पासिंग ऑन द इंजेक्शन टू स्वाति। तो यहाँ देखना है क्वेश्चन में पास करना है, मतलब बीमारी जो पास हुआ, तो बीमारी हम जानते हैं दो तरह का होता है, डिजीजेज जो होता है हम लोग का दो तरह का होता है, एक जो हम लोग पढ़े हैं, एक पढ़े हैं डिफिशियंसी डिजीजेज, मतलब लैक न्यूट्रिएंट्स होता है, एक होता है कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल, तो ये होता है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स का कारण होता है, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स का कारण होता है, ये होता है कम्युनिकेबल, मतलब पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होता है, पर्सन टू पर्सन जो होता है वो ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे देखना है पर्सन टू पर्सन कौन सा ट्रांसफर डिजीज यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पहले रोहिणी वाज एनीमिया, रोहिणी वाज एनामिया, तो ये जो होता है आपका बीमारी आयरन कमी से होती है, ठीक है, ये तो आयरन कमी से मतलब ये डिफिशियंसी डिजीज में, ये हुआ पहला हुआ आयरन कमी से होता है, ठीक है, तो ये आपका डिफेंसिव डिजीज में काउंट हुआ। साक्षी वाज स्कर्वी, स्कर्वी जो होता है विटामिन सी कमी से होता है, ये भी आपका डिफेंसिव डिजीज में होता है, ये विटामिन सी कमी से होता है। नया जलप ए डस्ट एलर्जी, डस्ट एलर्जी ये होता है किसी को एलर्जी होता है वो पर्सनली किसी आदमी को दूसरे आदमी को एलर्जी नहीं होता है। नेक्स्ट में देखते हैं
तो ये समझिए तीन जब है तो चौथा ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। तो ये इसमें देखिए कोल्ड लिखा हुआ है, मतलब उसको सर्दी खांसी हो गया, तो मतलब वो कॉम्युनिकेबल डिजीज होता है। तो नाइन का जो आंसर है आपका ये डी रहा है। देखिए टेन, ठीक है, टेम लेग कुणाल अ स्टूडेंट ऑफ क्लास फाइव विज बॉल्ड लेग। देखिए ये बोला गया बॉल है, मतलब इस टाइप का लेग हो गया है, इस टाइप का पैर जनरली इस टाइप बैंड हो जाता है, पैर आदमी का इस टाइप का होता है, पैर हल्का इस टाइप का होता है और इस टाइप का होता है, लेकिन ये पैर बिल्कुल ही इस तरह एक आदमी का पैर होता है इस टाइप का, ठीक है, लेकिन यहाँ पैर बिल्कुल आदमी का इस टाइप का हो गया है, ठीक है, ये पैर ये घूम गया है, इसको बोलते हैं बोलेक्स बोलते हैं। एंड सफरिंग फ्रॉम द पेन इन द बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स एंड मसल्स क्रैम्प्स ऑकर इन रेगुलर इन देम। तो ये पेन बोन में इसको है और रेगुलर इन द पेन। सेलेक्ट द डिजीज, इसका डिजीज कौन सा है इन द सफिशेंट ऑफ एंड इट्स कॉजेज। देखिए रिकेट्स जो हम बताए थे विटामिन डी के कमी से, डी के पहला ही ऑप्शन आपको दिया है रिकेट्स। सी ए में होता है एनीमिया, जो कि आपको ये गलत दिया है, ब्लनार्ड ब्लाइंडनेस होता है, एक कमी से होता है, सी से स्कर्वी होता है, बी से बेरी होता है, ठीक है। तो आपका पहला आंसर है टेन का ए हो गया आपका, ठीक है, रिकेट्स कमी से ऐसा होता है, ये सी पैसा ये पैर का लेक्सर। नेक्स्ट इलेवंथ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इलेवंथ देखते हैं वी शुड एक्सरसाइज योगा डेली, हम लोग डेली योगा करते हैं तो बिकॉज ऑफ इट स्ट्रेंथनेस ऑफ मसल, मतलब मसल का स्ट्रेंथ बनता है, ये बिल्कुल सही है, आप पढ़े योगा करते हैं मसल्स का आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इंक्रीज द स्टेमिना, स्टेमिना आपका बढ़ेगा, ठीक है, इंप्रूवमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या होगा बिल्कुल इंप्रूव होगा। तो ये ऑल ऑफ दीज होगा, मतलब इलेवन का जो होगा आपका डी। ट्वेल्व देख लेते हैं हम लोग, ट्वेल्व में देखते हैं कि इन आवर डाइट वी शुड बी सब डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन द सफिशियंट अमाउंट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव करेक्ट अंडर ऑर्डर ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड ऑफ बाय आवर बॉडी, मतलब ये ऑर्डर्स में दिया हुआ किस ऑर्डर में चाहिए। तो देखिए हम लोग कभी भी खाना खाते हैं तो हम लोग पढ़ने पहले वर्क करते हैं, किसी को भी पहले सबसे ज़्यादा अमाउंट में चाहिए कार्बोहाइड्रेट, हम लोग पहले चाहिए कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट टॉपिक में कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किस में दिखाया गया, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट दिखाया गया इसमें दिखाया गया है, नहीं तो इसमें दिखाया गया बी में, नहीं तो दिखाया गया सी में, ठीक है। तो ऑप्शन बी में, सी में सबसे कम दिखाया गया है और ए में और डी में भी सबसे कम दिखाया गया, तो ये दोनों का ऑप्शन रिजेक्ट कर दीजिए, बचेगा बी सी पे, अब हम लोग देखते हैं। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बाद हम लोग सबसे ज़्यादा तो टिश्यू रोज पर डैमेज होता है, उसके बाद हम चाहिए प्रोटीन चाहिए होता है, मिनरल्स नहीं चाहिए होता, पर डे प्रोटीन चाहिए, मतलब आंसर मेरा होता है बी, कार्बोहाइड्रेट के बाद जो हम लोग बताया कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट में आता है, उसके बाद जो हम लोग पास होता है प्रोटीन चाहिए होता है, ठीक है, उसके बाद देना होता है फैट, जो हम आंसर इसी आगे देख लीजिए, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, इसके बाद ये आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। आप हम ये वीडियो भी बनाया था, इसमें ट्रायंगल चार्ट भी था, इसमें आंसर है थर्ड 13। यहाँ दिया हुआ है स्टडी द गिवन फ्लोइंग चार्ट को स्टडी करना है और पी क्यू आर, जो पी क्यू आर उसको बताना है ये कौन सा आपका पार्ट है। तो पार्ट ऑफ द ईयर यहाँ लिखा हुआ, पहला पार्ट ऑफ द ईयर, तो यहाँ लिखा है यस ये पार्ट ऑफ द ईयर का पार्ट है, तो आगे देखना है नो, मतलब यहाँ ईयर का पार्ट नहीं है, जो ईयर का पार्ट है इसके बाद आगे देखना, नो कहने का मतलब कि यहाँ पार्ट ऑफ द ईयर लिखा नो, मतलब ये ईयर का पार्ट नहीं है, तो ये इसमें क्या लिखा वो पढ़ रहा है हम लोग को। लाइट इंटर द लेंस ऑफ द आई थ्रू इट, मतलब आई में जो है आई का स्ट्रक्चर बना देते हैं अभी हम आपको, ये मेरा आई का स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलता है बोला गया लेंस बोला गया, ठीक है, लाइट जो यहीं से पास करती है और इसी के अंदर यहाँ पीछे पार्ट को बोला गया रेटिना बोला गया, रेटिना बोला गया, इस पार्ट को बोला गया आयरिस बोला गया है, आयरिस, ठीक है, आयरिस बोला गया, ये बीच वाला पार्ट जहाँ से इंटर करता है इसको बोलते हैं पुपिल बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं पुपिल बोला गया है, और ये जो बाहर पार्ट है ये पार्ट है इसको कॉर्निया बोलते हैं, कॉर्निया, ठीक है। अब इसी हिसाब से क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन में, देखिए हम लोग दिया लाइट इंटर द लेंस, लेंस यहाँ मेरा लेंस ये रहा, इसमें जो लाइट इंटर करता है ऑफ द आई, तो ये आई लाइट इंटर करता है, यहाँ से लाइट इंटर कर रहा है, ये देखिए लाइट यहाँ से इंटर करता है, इस बीच वाला पार्ट, इस बीच वाला पार्ट को हम लोग जो बोलते हैं ये बीच ब्लैंक पार्ट, इसको मतलब पीपल बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर देखें आप पी जो है ना पीपल होगा, तो पीपल सी, मेरा पी सी सी है, देखिए यहाँ पे आंसर देखिए ए में आईरिस रेटिना है, पी में सी है और ये लेंस है, तो देखिए सी पीपल आ गया तो एडमिस आंसर मेरा क्या हो जाए, ऐसा चेक कर सकते हैं ये सी मेरा क्या हो जाए, डायरेक्ट आंसर मान सकते हैं आप सी, ठीक है, क्योंकि आगे ऑप्शन ही नहीं है, आप क्यू चेक करने की जरूरत नहीं है, पी आर चेक करने की जरूरत है, एस चेक करने की, आप चेक करके इसे बता भी देते हैं आपको। हैज़ अ यस, यहाँ ईयर का पार्ट बोला यस, मतलब ईयर का पार्ट है, हैज़ अ चेन ऑफ द
थ्री बोन, थ्री बोन का चेन ईयर में कहाँ होता है? देखिए ईयर का स्ट्रक्चर बता दीजिए, आपका ईयर का स्ट्रक्चर आउटर पार्ट होता है ईयर में, ठीक है, ये ईयर पार्ट है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे देखिए थ्री बोन होता है, एक ये बोन हो गया आपका, फिर आपका ये बोन हो गया, और एक बोन हो गया यहाँ पे, ठीक है, एक बोन हो गया आपका यहाँ पे, ये बोन हो गया, सेकंड बोन हो गया आपका यहाँ पे, थर्ड बोन हो गया ये थ्री बोन, और फिर यहाँ से नर्वस सिस्टम के थ्रू होते हुए ब्रेन में मैसेज चला जाता है। ये जो पार्ट होता है इसको मिडिल पार्ट बोला गया है, इसको आउटर पार्ट बोला गया है, ये आउटर पार्ट होता है ये, ठीक है, ये मिडिल पार्ट होता है और ये इनर पार्ट होता है, ये इनर पार्ट होता है। तो मिडिल ब्रेन, ये मिडिल पार्ट में ये तीन बोन होता है, यहाँ पे फर्स्ट बोन हो गया, यहाँ से सेकंड बोन हो गया, नीचे स्टिच ये सबसे स्मॉल बोन होता है, तो ये थर्ड बोन हो गया। तो ये जो हमें एल पार्ट का होता है, देखिए मिडिल पार्ट में ये लिखे पीसी का, देखिए मिडिल पार्ट हो गया अपन। इसी तरह फिर आगे ये मतलब ये दो हम मिला लीजिए, फिर आगे भी देखिए आप मेन पार्ट ऑफ द हेडिंग ऑफ मेन साइड ऑफ द हेडिंग, मेन साइड कहाँ होता है हेडिंग का? यस, ये मेन साइड है हेडिंग का है हमारा आर, तो मतलब मेन साइड हमारा इनर ही होता है, और नो तो मतलब आउटर। ये हेडिंग जो हम लोग सुनते हैं इस पार्ट से ही हम लोग सुनते हैं, यहाँ से केवल वॉइस जाता है, एयर वाइब्रेशन जाता है, और यहाँ पे मेन साइड से ये ब्रेन को मैसेज कहीं पहुँचाता है, तो ये इनर से ही हम लोग मेन पार्ट होता है, और केवल यहाँ से आउटर पार्ट से नहीं होता है। फोर्थ थिंग में देखिए, तो ये आंसर मेरा आपका आ जाएगा सी, ये तो पहले से दिख गया था आपको, फोर्टीन में आ जाइए, ठीक है। फोर्टीन में देखते हैं, यहाँ फिगर दिया बार, रिफ्रेश रेफर टू द गिवन फिगर, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। देखिए बॉडी को इस तरह से ये यहाँ दिया हुआ, ये आर्म से आपका, ये जो ऊपर वाला पार्ट है नीचे वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं बाइसेप्स बोलते हैं, नीचे वाला ट्राइसेप बोलते हैं, वीडियो में बताया भी था कि ऊपर वाला बाइसेप होता है, नीचे वाला ट्राइसेप होता है। तो ऊपर बाइसेप इसको मोड़ा गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो होगा मेरा पार्ट वो बिल्कुल हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट रिलैक्स हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रास्ट, इसमें देखना है कौन ये क्यू जो मेरा हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, और पी जो हो जाएगा मेरा रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है, इस कंडीशन में। और ये जब छोड़ेगा जिस हाथ को बिल्कुल सीधा करेगा, तो ये जस्ट अपोजिट होता है, ये इसमें ये रिलैक्स हो जाएगा, ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तो अब देखते हैं वेन यहाँ मसल जाएगा, वेन पी एंड क्यू आर रिलैक्स, दोनों रिलैक्स नहीं है बिल्कुल, ठीक है, वेन पी एंड क्यू आर कॉन्ट्रास्ट, ये भी नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है वेन पी एंड क्यू आर रिलैक्स एंड मूव डाउन करने पे, इसको मूव यदि हम डाउन करेंगे मतलब नीचे की ओर करेंगे, तो जैसे नीचे की ओर करेंगे ना, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रिलैक्स हो जाएगा, और ये कॉन्ट्रास्ट, ये अप करने पे ये कंडीशन पे, या डाउन करने पे ये कंडीशन पे, ठीक है। तो हम पूछा गया डाउन करने पे, देखिए ये हो जाएगा आपका, वेन मसल्स पी एंड क्यू आर कॉन्ट्रैक्ट आर्म मूव अप करने पे ये कंडीशन हो जाएगा, ये भी आपका फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। वेन मसल्स पी एंड क्यू, पी इज कॉन्ट्रास्ट, पी कॉन्ट्रास्ट देखिए, एंड क्यू रिलैक्स मूव अप करने पे, मतलब हम ऊपर करते पे हैं, तो ये नहीं गलत, ये भी आपका क्या है वो, तो सेवन दिया गया है, सेवन भी आपका गलत है, ठीक है। अब डी में देखते हैं, क्योंकि ये आपका जो होगा ऊपर करने पे ये रिलैक्स हो जाएगा। वेन मसल्स इज पी रिलैक्स, देखिए पी रिलैक्स है, और क्यू क्या कॉन्ट्रास्ट है, मूव अप करने पे ये होता है, देखिए अप करने पे ये कंडीशन, तो मेरा सपोर्टिंग जो आंसर होगा ये मेरा डी होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, सेलेक्ट डिजीज डेट स्प्रेड, यहाँ देखिए स्प्रेड बाय द नेम सेम मीन्स और हैव अ सेम कॉजेज, यहाँ स्प्रेड जो बीमारी जो आपका स्प्रेड करता है, हम बताए पीछे ही बताया था, स्प्रेड मतलब जो होता है आपका कम्युनिकेबल डिजीज, यहाँ कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बात करना है, कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में देखना है, ठीक है। हम बताया डिफेंसिटीज कम्युनिकेबल डिजीज, गोइटर जो होता है हमारा, ये आपका डिफेंसिव डिजीज में आता है, तो ऑप्शन ए आपका गलत यहीं पर हो गया, आगे चेक नहीं करना है। बी में डेंगू हो गया, ठीक है, चिकन गुनिया हो गया, और नैट ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है। नैट ब्लाइंडनेस आपका जो होता है आपका ये डिफिशियंसी डिजीज में, ये भी आपका खत्म हो गया, बी भी। सी में कॉलरा, टाइफाइड और डायरिया, ये तीनों जो है आपका कम्युनिकेबल डिजीज है, कॉलरा, टाइफाइड एंड डायरिया। तो आपसे आंसर आपका ये आ जाएगा, इसका हो जाएगा 15 का सी हो जाएगा। देखिए पाँचवा देखिए बेडी बेडी भी आपका ये क्या है, एक तरह से ये डिफेंसिव डिजीज ही है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 15 का जो है मेरा सी जाएगा। 16 देख लीजिए, हम लोग 16 देखते हैं, रिलैक्स द गिवन फिगर्स, सेलेक्ट द क्रॉस ऑप्शन ऑफ वाई, अब एक्स का हमको देखना है, ठीक है, एक्स क्या है, द टाइप ऑफ ज्वाइंट दैट नॉट टाइप ऑफ ज्वाइंट शो नो मूवमेंट एट ऑल। देखिए ये एक्स को मार्क किया गया, इस ब्रेन को चिन्ह दिया गया, ये इस चिन्ह पे दिखे, द गॉड की जगह चिन्ह पे है,
ये लाइन पढ़ा, ये क्या है? ये रियल में ज्वाइंट है, और स्कल में ज्वाइंट होता है, बिल्कुल फिक्स ज्वाइंट होता है, वो हिलता डुलता नहीं है, ठीक है। तो ये जो ये फिलता डुलता, ये फिक्स ज्वाइंट है, तो ये मेरा कहलाएगा द दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट हैज नो फिक्स ज्वाइंट, ये मेरा सही है, मतलब नो मूवमेंट, नो सॉरी नो मूवमेंट, ये मूवमेंट नहीं करेगा, बिल्कुल उसे फिक्स रहता है, ये मेरा ए सही है। दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द बेल एल्बो, एल्बो में ये प्रेजेंट नहीं होता, एल्बो में मोबाइल पार्ट होता है उसमें प्रेजेंट होता है, ये ज्वाइंट होता है कल फिक्स ज्वाइंट होता है जो कि स्कल में प्रेजेंट होता है। तो ये मेरा सही गलत है, ये मेरा सही है, बी रॉन्ग, सी में आते हैं। दिस ज्वाइंट दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट इज ऑल्सो फाउंड इन द बिटवीन द ओवर वर्टिब्रा, वर्टिब्रा में इस तरह का ज्वाइंट नहीं पाया जाता, वर्टिब्रा थोड़ा मोबाइल पार्ट होता है, ऊपर नीचे ऐसे मूव करता वो, ठीक है। तो इस तरह के मूवमेंट में ये बिल्कुल फिक्स ज्वाइंट है, तो मेरा आंसर केवल होगा ए, ना ए ना बी, ना केवल ऑनली होगा ए। तो 16 का मेरा आंसर होगा ए होगा। अब 17 को देखते हैं, यहाँ स्टेटमेंट कुछ दिया है, उसको रीड करना, रीड करना आंसर लाना, ठीक है। देखिए स्क्लेरा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई हैज लाइट सेंसिटिव ऑर्गन। देखिए ये जो पार्ट स्क्लेरा है, ये आउटर पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है आई का, यही पार्ट को हम बोलते हैं, ये आउटर पार्ट होता है ये, ठीक है, ये आउटर पार्ट होता है आई का, ठीक है, इसको ही बोला गया है, इसको पार्ट को, ये यही पार्ट जो हमारा है आई का, इसी को बोला गया है स्क्लेरा, ये आउटर पार्ट होता है आई का, ये आउटर पार्ट होता है ये, ठीक है। तो ये मेरा स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग है। अब देखिए आइए इसके बाद नेक्स्ट में आइए, कॉर्निया ऑब्जर्व सम डैमेज अल्ट्रा वायल्ट यूवी मतलब अल्ट्रा वायल्ट रेडिएशन ऑफ द लाइट, ये तुम्हारा आपका सही है। पुपिल इज द ओपनिंग द सेंटर ऑफ द आई, पुपिल इज द ओपनिंग, ठीक है, इन द सेंटर ऑफ आई, सेंटर ऑफ इरिज, ये गलत है आपका, इरिज आपका इधर होता है, इसका सेंटर पर नहीं होता। इट इज़ द कलरलेस पार्ट ऑफ द आई, ये कलरलेस पार्ट नहीं होता है, ये जान लीजिए, इसका कलर पार्ट होता है। एंड द कंट्रोल द अमाउंट, ये सही है, कंट्रोल करता है लाइट को इंटर करने में, लेकिन ये कलर पार्ट होता है, ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। ये तो देखते हैं ग्रेविटी इज करेक्ट, ये देखकर आपका रॉन्ग था, इसके यहाँ रिजेक्ट हो गया आपका, ठीक है। यहाँ देखिए सर बी पे आइए, कौशिक इज द करेक्ट, कौशिक आपका करेक्ट है, और रेसब इज अ इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट, ठीक है, ये आपका सही है, ये करेक्ट था, ये क्या है इनकरेक्ट है, बी आपका आंसर सही होगा, 17 का ये बी। 18 पे आ जाइए आप, यहाँ मैच द फ्लोइंग करना है, इसमें देखिए 18 में मैच द फ्लोइंग, देखिए मैच द फ्लोइंग करना है तो पी में देखिए, पहला पी, पी किसी चीज़ से मैच करेगा, तो मैच द फ्लोइंग करना है तो विटामिन ए के यहाँ दिया, विटामिन ए कमी से होता है नाइट बैलेंस होता है, देखिए पी के साथ 2 होगा, ठीक है। तो नाइट बैलेंस मतलब हमको रोशनी होती है, आँखों की रोशनी कम हो जाती है, इसका सिम्टम्स क्या होगा, देखिए बोन्स से रिलेटेड नहीं है, ग्लैंड से रिलेटेड नहीं है आपका, पेशेंट कैन बी सी नाइट इन डीम लाइट, डीम लाइट में इसको देखना क्या होता है, ये आपका एफ से रिलेटेड थी, देखिए पी टू एफ, पहला ऑप्शन है पी टू एफ, देखिए पी टू एफ है किसमें, ए में नहीं है, बी में पी टू एफ है, सी में पी टू एफ है, और डी में, तो ये ऑप्शन बी और सी के वाला आपके पास रहेगा, ये और बी और सी, ए और डी को आप छोड़ दीजिए, वो अब आपका रिजेक्ट हो चुका है। अब बी में देखते हैं, सेकंड में देखते हैं, क्यू में, क्यों में आप विटामिन बी बी वन है, बी वन से कभी अगर बेरी बेरी बीमारी होती है, बेरी बेरी मतलब फाइव, ये फाइव में आपका होगा बेरी बेरी, ठीक है। तो इसे देखिएगा तो फाइव में बेरी बेरी आपका यहीं पे दिख गया है, ठीक है। आगे देखते हैं इसका डिमेन इफेक्ट ऑफ नर्वस सिस्टम में होता है, ये आपका रहेगा जी, तो आपका सी आंसर होगा क्योंकि इसकी क्यू ए ई है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया और ये मेरा क्या होगा सही होगा, तो 18 का जो मेरा आंसर रहेगा वो सी कहलाएगा। 19 का आंसर आ जाइए, यहाँ फिगर में पी एन क्यू दो आपका दो ज्वाइंट रिप्रेजेंट किया गया, उस ज्वाइंट को रिप्रेजेंट कर देखना है किसमें वो है, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना, याद रखिए इनकरेक्ट है हमेशा, जब क्वेश्चन में देखेगा हम लोग को चेक करना है कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट चेक करना है, ये हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं करेक्ट को इनकरेक्ट और करेक्ट इनकरेक्ट नहीं, देखिएगा यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना, इसलिए इनकरेक्ट चूज कीजिएगा। तो ज्वाइंट पी इज अ फाउंड बिटवीन टू वर्टिब्रस ऑफ आवर बैकबोन, वर्टिब्रस यहाँ पी, देखिए पी है आपका बिल्कुल मोबाइल पार्ट है, आप जानते हैं ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है कि ऑल पार्ट में क्या करता है, ये मूव करता है, ऑल डायरेक्शन मूव करता है, तो ये ऑल डायरेक्शन मूव करने वाला ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, तो ये वर्टिब्रल कॉलम ये नहीं करता है ऑल एंड सॉकेट जॉइंट, तो ये आपका रॉन्ग हो गया, आपका इनकरेक्ट, पहला ही आपका हो गया रॉन्ग, फर्स्ट ही आपका जो कहलाएगा इन रॉन्ग कहलाएगा, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट वर्टिब्रल जो बैकबोन होता है केवल आगे आगे नहीं तो पीछे की मूव करता है, ये वर्टिब्रल कॉलम चारों तरफ मूव करता है, तो ये रॉन्ग मेरा हो गया। वर्टिब्रल कॉलम मतलब हम समझ लीजिए वो बैकबोन में होता है, बैकबोन हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए बैकबोन जो होता है बैकबोन में बहुत सारा ये हड्डी होता है, इसी को बोलते हैं वर्टिब्रा होते हैं, जो कि आगे थोड़ा आगे और नहीं तो पीछे का मूव करता है, ये ऑल जॉइंट मूव नहीं करता, आंसर 90 का ए।
20 आ जाइए। डॉक्टर प्रिया हैज़ 3 पेशेंट ईच विथ अ डिफरेंट प्रॉब्लम, तीन से डिफरेंट तीन पेशेंट, तीनों का डिफरेंट प्रॉब्लम है वो देखना है। राघव कैन नॉट रिमेंबर रिमेंबर थिंग नॉट इवन हिज नेम, मतलब उसको याद ही कुछ नहीं रहता है। तो हम जानते हैं मेमोरी जो हम लोग का स्टोर रहता है, मेमोरी स्टोर रहता है हमारा, ये सेरिब्रम में होता है स्टोर, जानते हैं सेरिब्रम में मेमोरी स्टोर होता है, ये एक्स इसी का पार्ट होगा। आगे देखें, निधि मूव टू द जर्की मैनर, देखो जर्की मैनर, जर्की मैनर मतलब वो हिल डुल के चलती है। तो हम जानते हैं कि हमारे बॉडी का जो बैलेंसिंग काम करने का काम करता है, बॉडी को बैलेंस स्थिर करने का काम होता है, वो सेरिब्रम काम होता है, जो कि आपका हुआ वायु, ठीक है, ये हो गया आपका वायु। बबीता है डिफिकल्ट टू ब्रीथिंग एंड डायजेस, ये देखिए नॉन वॉलंटरी मसल्स ये वर्क करता है, जेड हम है पड़े हुए हैं नॉन वॉलंटरी मसल्स को ट्रैक करता है। तो आंसर जो आपका देखिए डायग्राम्स के हिसाब से चलेंगे हम लोग, तो एक्स में आपका आ जाएगा राघव की बीमारी, देखिए एक्स में आपका राघव की बीमारी आपको होगा सही। वाई में जो हो गया जर्की जो हमारे बॉडी को बैलेंस करने का काम, ये ठीक है फोटो आप पीछे भी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इस फोटो में देखिएगा, ये आर जो कहलाया गया आपका सेरिब्रम कहा गया, सेरिब्रम कहा गया, ठीक है। तो ये आपका बैलेंसिंग करने का काम करता है, जो कि इसका जर्क चल रहा है तो बैलेंस बॉडी को सही से नहीं कर पा रहा है। तो ये आपका होगा वाई, तो ये आपका निधि हो गया वाई में हो गया, तो राघव निधि एंड लास्ट मिलाने की जरूरत है बबीता आपका मिलेंगे, ठीक है। तो आंसर आपका 20 का हो गया सी।